बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, परसेंटेज के अंदर अगर हमें जैसे लेब रिपोर्ट टेक्निकली कोई फॉल्ट होते हैं उसकी अगर हमें ब्रेकडाउन रिपोर्ट बनानी है, उसके आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए, या कोई भी किसी किस्म का डाटा जो है टैक्स की फॉर्म के अंदर है तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उस टैक्स की कितनी एंट्री है मंथ में या फिर कुछ महीनों के अंदर, उसके परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेशन चाहिए, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगी इसकी एग्जाम्पल देख लें, और फिर इसमें कौन से फार्मूले लगाकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एडवांस में लाइक कर लें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कैटेगरीज दी है। अभी एक लैब रिपोर्ट के हिसाब से मैंने अपडेट किया हुआ डेटा, यूजर एरर की वजह से ये आ गया इस डेट का, ये था सॉफ्टवेयर इशू हुए, फिर ये हो गया और कुछ यहाँ हार्डवेयर इश्यूज हैं, तो ये हमारे पास डेटा रिकॉर्ड्स हो रहा है। इस तरह से आपका कोई भी डेटा एज अ टैक्स फॉर्म का है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री स्कीम या उसके कुछ नंबर फॉर्म है, तो अब उसका आपको ये देखना है कि हमने यूनिक लिख लिए यहाँ पे नाम, और यूनिक लिखने के बाद उनका काउंट क्या रहा उस ड्यूरेशन का जो हमने नोट की हुई डेट्स वगैरह, और फिर उसके बाद परसेंटेज क्या रही किसकी, तो कितने यानी इशू में क्या कितने ज्यादा इश्यूज हुए हैं किसमें कम हुआ है, तो उसको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले काउंट के लिए, तो काउंट इफ लग जाएगा रेंज ऑल कॉलम कैटेगरी के जो नाम आ रहे हैं यहाँ तकरीबन 100 प्लस रिकॉर्ड्स हैं, ऑल कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे, वन टाइम F4 कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम जो क्राइटेरिया होगा इसमें फर्स्ट सेल जो यूनिक नाम लिखे हुए जो जो इश्यूज थे उनके सारे मल्टीपल नामों की यूनिक लिस्ट हमने यहाँ रखी हुई, और इसमें फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यूजर एरर जो हुए हैं वो इस टाइम के हिसाब से ये मंथ कुछ मंथ के हैं, 3 से 4 मंथ का रिकॉर्ड है, तो उसमें 30 इश्यूज हैं, उसका ड्रैग करेंगे रिकॉर्ड, तो हर उसका जो नेम के साथ प्रॉब्लम हुई है वो सारे यहाँ पे काउंट आ जाएंगे। अब परसेंटेज के हिसाब से आंसर हमें चाहिए कि किसकी कितनी परसेंटेज में रही है यूजर एरर की या इनकी सॉफ्टवेयर इश्यूज की हार्डवेयर इश्यूज की, तो इसके लिए फिर हम आगे यानी यहाँ से काउंट इफ लगाएंगे और इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी को ऑल, और इसको वन टाइम कर देंगे F4 क्राइटेरिया, इस सेल को जो प्रायोरिटी है इसका फर्स्ट सेल इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और अब परसेंटेज के लिए डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के साथ आगे लगाएंगे हम कंटिन्यू काउंट ए, और काउंट ए में जो कैटेगरी कॉलम आ रहा है ऑल उसे सिलेक्ट करेंगे, तो ऑल सेलेक्ट कैटेगरी कॉलम, और वन टाइम इसको भी F4 करेंगे, और यहां पर इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अच्छा, यहां F2 एडिट कर रहा हूं, एरर किस वजह से आ रहा है, काउंट आ गया, काउंट सिर्फ नंबरों के लिए यूज होता है, कहीं भी किसी किस्म का डाटा है उसमें से परसेंटेज अगर आपकी नंबर के हिसाब से निकालनी है तो काउंट लगता है, और जहां टैक्स हमने सिलेक्ट करा है या टैक्स दिए हुए सेल में तो वहां काउंट ए, टैक्स और वैल्यू दोनों में काउंट ए हो सकता है, तो हमारा अभी फिलहाल नंबर नहीं है सिर्फ टैक्स ही है, तो हम काउंट ए लगाएंगे, इस वजह से एरर आ रहा था, मैंने काउंट कर दिया था एंटर, तो ये 28%, और इसके बाद फिर इसको एब्सोल्यूट करेंगे F4 और नीचे ड्रैग करेंगे, तो सबकी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर पता चल जाएगी किसका क्या प्रॉब्लम जो आई है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी आ रही है जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रिपोर्ट आपकी इस तरह से परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। इसको अगर टोटल करके चेक करना है तो यहाँ पर हेडिंग दे देंगे टोटल, और यहाँ टोटल के साथ मैं अल्टर इक्वल कर रहा हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज के अंदर जो आंसर आ रहा है इसके लिए भी ऑल्टर इक्वल 100% होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 100% हो गया। अब किसी भी इश्यूज का अगर मैं यहाँ पर लिस्ट में बढ़ाता हूँ रिकॉर्ड, तो यहाँ परसेंटेज भी बढ़ जाएगी उसकी, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ और रिपोर्ट्स हैं या कुछ और एंट्रीज की हमने उस डाटा की जिसमें ये फार्मूले हमने सेलेक्ट करे रेंज के अंदर, तो यहाँ पर देखें अभी 25 है। मैं सॉफ्टवेयर इश्यूज को बढ़ाता हूँ यहाँ पर अननोन की जगह पर, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया Ctrl V, और जहाँ जहाँ नॉन आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैंने सॉफ्टवेयर इश्यूज को टाइप कर दिया Ctrl V। तो अब देखें यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस कैटेगरीज में आई हैं सॉफ्टवेयर इश्यूज की, तो ये आप एक रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं किसी भी हवाले से, लैब के हवाले से है या कुछ और काम जो आप कर रहे हैं,
कुछ मशीनरी सिस्टम है फैक्ट्रीज वगैरह के, उस पर आपने प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह सेक्शंस के अंदर जाके क्लियर की हैं, तो उनकी एक रिकॉर्ड की रिपोर्ट परसेंटेज के अंदर से आप दिखा सकते हैं कि इस पीरियड में हमने ये चीज़ें क्लियर करी हैं, तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह वसलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।